الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه فمن يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغبى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فانما نحن به وله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إيمان والو إيمان کا دعوة کرنے والو إيمان دار واقعة بن جاؤ और वाकआता ईमान ले आओ अल्लाह के साथ ही ईमान उसके रसूल के साथ ईमान और उस किताब के साथ ईमान जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम पर नाजिल की और उस किताब पर भी ईमान जो उससे पहले नाजिल की गई और जो कोई भी कुफर करे अल्लाह के साथ उसके फरिश्तों के साथ उसकी किताबों के साथ उसके रसूलों के साथ और आखरत के दिन के साथ बस यकीन उसने वो दूर की गुमराही में जा गया सदाकल ईमान की हिफाजत के हवाले से अल्लाह की तोफीक से गुफ्तू का सिलसिला जारी है और एक हदीस का आगाज हमने किया था इस जिम्मन में शख नफ्स जो ईमान के मुनाफी है और हर वक्त इंसान के ईमान को जो ख़तरा लाक रहता है उसमें एक बड़ा ख़तरा शोह नफ्स का खतरा है लिहाजा नबी अक्रम सल्हलम ने इसको तबाह बर्बाद कर देने वाली चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर ज़िक्र किया है सलातुन महलिकात तीन चीज़ें जो तबाह बर्बाद कर देने वाली हिलाक कर देने वाली हैं उसमें पहले नंबर पर शह नफ्स है वो शह नफ्स जिसके इतात इंसान कर ले जिसका कहा मान ले इंसान गोया दिल की बखीले ने तो हमेशा दिल में मौजूद रहना है इम्तहान इस बात का है कि आप उस बखीली की बात मान लेते हो कि अल्लाह का हुक्म मानते और ये इस कदर खतरनाक और खौफनाक बात हजरत रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तकबर जो बहुत मालदार साहबा में से थे और सिर्फ मालदार नहीं थे बहुत बड़े सखी भी थे तो जो आदमी इस तरह का होता है जो मालदार भी हो सखावत भी बहुत करता हो खड़े खड़े सैकड़ों नहीं हजारों रिया हजारों दिरहम और दीनार वो दे देता हो अल्लाह के नाम पर और सखावत करता हो ज़ाहिर है ऐसा आदमी जो है वो लोग उसके करीब करीब रहते हैं लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसके पास क्या अमल है ख़ास अल्लाह तो कहते हैं कि वो एक दफा हज पे थे तवाफ कर रहे थे हज या उमरे पे तवाफ कर रहे थे तो कोई शख्स उसने करीब होके देखना चाहा सुनना चाहा कि भला ये आदमी क्या मांगता है अल्लाह से तवाफ के दौरान कौन सी दुआ मांगता है ताकि मैं मैं भी वो दुआ मांगू हो सकता है अल्लाह ताला मुझे भी अमीर कर दे मैं भी इसी तरह का सखी बन जाऊं अल्लाह अकबर तो उसने करीब होके सुना तो जो एक ही दुआ बार बारत अब्दुलरमान बिन औफ रहे थे वो दुआ ये थी नफ़सी अल्लाह मुझे दिल की बखीली से बचा अकबर इसलिए कि उन्होंने सुना हुआ था नबी करीम वसल्लम से कि ईमान को बर्बाद कर देने वाली चीजें कौन कौन सी हैं सलाहलिक मुता जो तीन चीजें तबाह बर्बाद कर देने वाली हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर मुता व मुतबा और ऐसी जो खाश नफ्स दिल की बखीली जिसका हुक्म मान ले इंसान गोया दिल की बखीली का मौजूद होना गुना नहीं है उसकी बात मान लेना गुना है लिहाजा उसके शर से बचने के लिए हमेशा अल्लाह से पनाह मांगते रहना चाहिए अल्लाह मुझे अपने शक नफ्स से दिल की बखीली से बचा ले और मुत्ताबाउन जो शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चल पड़े बस वो भी ख्वाहिश भी हर तरह की मौजूद रहनी है बस उसको लगाम डालनी है अल्लाह कुरान में फरमाता है मन खाफा मकाम अनिल हवा। दिल ख्वाहिश करने से रुकता नहीं है इसको लगाम डालनी पड़े जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया दिल को लगाम डाल ये हिफाजत का ईमान की हिफाजत की बुनियाद है और तो। और तीसरी चीज फरमाया हुआ एजाब उमरफी जो बर्बाद कर देती है वो इंसान को अपनी खुद पसंदीदगी मैं ऐसा हूं मैं बड़ा जाबते वाला हूं मैं कानून वाला हूं मैं मैनर्स वाला हूं मैं एटिकेट्स वाला हूं मैं बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हूं मैं ईमान वाला हूं मैं अमल वाला हूं जिसको मैं मैं होती क्या है अकबर और इस हवाले से मैंने अर्ज किया था कि नबी करीम ने जितनी दुआएं सिखाई है, है वो आजी है और अल्लाह को आज पसंद है आप जितने मर्जी बड़े मर जाए अगर आपने मैं कह दिया तो फर्क तो यही है दौलत अब्दुलरहमान बिन औद्ला को भी मिली और दौलत कारून को भी मिली फर्क सिर्फ यह था कि रहमान बिन औफर अल्लाह हो उस माल के अता होने को भी अपने रब के साथ मुंसलिक करते थे और उसके बारे में दिल की बखीली से भी पनाह अल्लाह से मांगते थे और कानून ने कहा था इन मैंने बड़ी मेहनत से माल कमाया है मैंने इस पर बड़ी मेहनत लगाई है मेरा इल्म लगा है मेरी जहानत लगी है ये एक दिन में ऐसे खाम खा माल हाथ में नहीं आ जाता अल्लाह अकबर वो इतनी बात कह के मुतकबरीन में शुमार हो गया अल्लाह अकबर और अल्लाह ने उसके इस तकबर की वजह से उसके पूरे खजानों समेत उसको जमीन में धसा दिया बात तो सिर्फ इतनी है कि आपको जो भी अता होता है आप उसमें आजजी का इजहार करें अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह ने दिया है जिंदगी अता हुई है तो अल्लाह ने दी है तो तस्वीर अगर अच्छी है तो ये तो बनाने वाले की खूबी है ना तस्वीर की तो कोई खूबी नहीं अगर तो मैं अपनी मर्जी से बना हूं तो फिर मैं अपनी, अपने आप को पसंद कर लूं कि ठीक है मैंने अपने आप को बड़ा अच्छा बनाया है अंदाजा तो करे बंदे के पल्ले होता क्या है जो अल्लाह ने बनाया है मैं अगर मर्द हूं तो मुझे अल्लाह ने मर्द बनाया है मैं अगर औरत हूं तो मुझे अल्लाह ने औरत बनाया है मैं अगर किसी खास वाले के घर पैदा हुआ हूं मुसलमानों के घर पैदा हुआ ये अल्लाह का करम है मुझे अगर अल्लाह ने नैन प्रैन सलामत रखे है अगर अल्लाह ने मेरा पूरा जिसम अकल दिमाग दिल सारे आजाद सलामत रखे हैं सोचने की ताकत फरमाई है आजाए रईसा अच्छे बनाए हैं तो ये उसका क्रम है मेरा इसमें क्या कसूर या मेरा इसमें खूबी क्या है अल्लाह और अगर किसी को कोई चीज अता नहीं हुई तो उसका कसूर क्या है नाबीना अगर आदमी आपके सामने आ जाए अंधा आपके सामने आ जाए लंगड़ा माजूर सामने आ जाए और लॉ अकबर अगर आ उसको देख कर आपके दिल में नफरत पैदा होती है तो लगता यह है कि दिल का तकबर खत्म नहीं हुआ वो तो मैंने वाक सुनाया था कि इसकी दलील मुझे नहीं पता सही है कि गलत है कोई इस्तनादी वाकया नहीं है लेकिन तफसीर खाजिन में साहिब तफसीर ने मुफसर ने लिखा है इमाम खाजिन जो तफसीर खाजिन के मालिफ हैं उन्होंने लिखा है तफसीर खाजिन के अंदर बहुत सारी इसराइली है इसराइली रिवायत उसको कहते हैं कि जिसकी कोई असल ना हो सही भी हो सकती है वो सही नहीं भी हो सकती उसका दर्जा हिकायत से ज्यादा नहीं है अगर तक जब तक उसकी कोई सनत साबित ना हो जाए तो उन्होंने उसमें वाक लिखा है हजरत नूसलाम का नू सूर नूह के जिमन में कि जो नू असलाम है अल्लाह के नबी उनका नाम नूर नहीं था उनका नाम अब्दुल गफ्फार था और वाकया एक हुआ जिसके बाद उनका नाम नूह पड़ गया और वाकया क्या था कि उन्होंने किसी कुत्ते को देखा और कुत्ता भी ऐसा जिसको कीड़े पड़े हुए थे अब कुत्ता वैसी करी जानवर है और फिर उसको कीड़े पड़े हुए हों तो दिल में कितनी कराहत महसूस होती बस वो महसूस की हज़रत नूसम ने जिनका नाम बकौल मुफसर के पहले अब्दुल गफफ्फ़्फ़्फ़्ार था वाल तो उन्होंने महसूस की दिल में कराहत महसूस की नफ़रत आई दिल में तो अल्लाह ने कुत्ते को ज़ुबान दे दी और कुत्ता बोल के कहता है कि अः अल्लाह के नबी तू मुझे ये बता कि तू अगर इंसान बना है तो अपनी मर्जी से बना है तू अगर नबी बना है तो तू अपनी मर्जी से बना है और क्या मैं जो कुत्ता बना हूं तो मैं अपनी मर्जी से बना हूं ना मैं कुत्ता अपनी मर्जी से बना हूं ना तू नबी अपनी मर्जी से बना है बनाने वाले ने तुझे नबी बना दिया बनाने वाले ने मुझे कुत्ता बना दिया तो तुझे अगर नफरत आई है तो इसका मतलब है कि तुझे बनाने वाले पर इतराज है क्योंकि बनने वाला तो अपनी मर्जी से नहीं बना अल्लाह बस ये बात सुनना थी कि अल्लाह के नबी को इस कदर रोना आया उस बात पर जो जुबान पर नहीं लाए दिल में ख्याल आया था उस बात पर इतना रोए इतना रोए कि उन और फिर रोते ही रहे हमेशा रोते रहे और उनके रोने की वजह से उनका नाम नूह पड़ गया नौहा करने वाला कि हमेशा रो, रोने वाला आदमी और उसका नाम नूह पड़ गया अल्लाह आलम ये दुरुस्त है कि नहीं लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि आप जरा इसको अपनी जिंदगियों पर मुंतबिक करके देखिए हमें जगह जगह कितनी नफरतों और मोहब्बतों का सामना है किस नफरत की बुनियाद क्या है उससे तो नफरत करें जिसने अपनी मर्जी से अपनी अपना हुलिया बनाया हो उससे नफरत करें जिसने अपनी मर्जी से अपना किरदार बनाया हो और जिसने जिसका अपना ही कोई नहीं है और जिसके अंदर अपनी खूबी कोई नहीं है उस कसूर की बुनियाद पर और उस कमी और उस नक्श की बुनियाद पर किसी से नफरत करना और उस खूबी की बुनियाद पर किसी को पसंद करना या अपने आप को पसंद करना अल्लाह इंसान की औकात क्या हलत इंसान अल्लाह तुरान में मुख्तलफ पैराए में मुख्तलि उसलूब में बताता है कि अपनी औकात को याद रखा कर हलत इंसान म यकुन शय मदूरा अपनी औकात याद कर तू था क्या तेरी असल औकात यह है कि इन्ना खलकनल इंसान अमिन नुकफत नब तली एक हकीर कतरा आब से तुझे पैदा किया है जिसका नाम लेना भी बंदा पसंद नहीं करता वो तेरी औकात है फजाली बसीरा अकबर एक कतरा हकीर पानी का कतरा वही तो टपका था फजा अल्लाह बसीरा हमने इसको सुनने वाला देखने वाला नैन प्रैन वाला आजाय रईसा वाला सलाहियतों वाला हमने बनाया है तो जब बनाया उसने है और तेरी औकात क्या है अपनी औकात को इंसान याद कर ले तो एजाब उलमर इबिनफ से ही वाली कोई कैफियत रह जाती है कि बंदा अपने आप को पसंद करे कि मैं ये और मैं फला अल्लाह ने बनाया वो चाहे तो एक लम्हे में तुम्हारी सारी खूबियां छीन ले एक लम्हे अकबर मुल्क तो मंतशा वो तंजे मुल्क ये कुदरती इख्तियार जो उसने दिया है ना आंखों पर इख्तियार है ना हमारा जुबान पर इख्तियार है ना हमारा ये इस पांच छह फुट की कायनात पर उसने बादशाही दी है हमें ये किसी वक्त भी वो छीन सकता है उसने हमें इसका मालिक बनाया है मालिकल मुल्क तो तिल जिसको तू चाहता है अता करता है जिसको चाहता है उससे छीन लेता और जब इख्तियार उसका है ये जो हम कहते हैं ना मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन वो क्यामत वाले दिन का बदले के दिन का मालिक है तो यहां कौन मालिक है यहां भी तो मालिक वही है क्यामत वाले दिन का मालिक है यहां का मालिक नहीं है यहां का मालिक भी, भी वो है लेकिन क्यों बताया है क्यों दोहरवाया है क्यों कहलवाया है हमसे क्यों ये इकरार करवाया है मालिक्दीन वो बदले के दिन का मालिक है हालांकि वो मालिक यहां भी वही है फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो यहां थोड़ा सा इख्तियार दिया है ना इम्तिहान के लिए ये चल कुछ दिन के लिए तो अपनी जुबान इस्तेमाल कर ले चल ये कुछ दिन के लिए अपने कान इस्तेमाल कर ले चल ये जिस्म तुझे दिया कुछ दिन के लिए इस्तेमाल कर ले ये इख्तियार दिया उसने तो इंसान समझने लगता है इसका मालिक मैं हूं किसी को वो छोटा सा होता दे देता है तो वो कुर्सी पे बैठ के वो चाहे क्लर्क हो वो समझना शुरू हो जाता है कि मैं यहां का बादशाह ये मेरा इख्तियार है और वजीर आजम बन जाए तो फिर तो वो किसी को खांसने भी नहीं देता ना क्योंकि उसके पास इख्तियार है और किसी बदमाश रियासत का जो अपने आप को वक्त का सुपर पावर कहती हो उसका सदर बन जाए उसका उसका तो ख्याल है कि पूरी दुनिया मेरे नीचे आ गई मेरे हाथ में इख्तियार आ गया। ये अल्लाह ने छोटे छोटे फिरौन पैदा किए हैं हर बंदा फिरौन है अगर वो उस अल्लाह के दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करने में जुल्म करता है तो हर बंदा फिरौन है यहां चूके उसने छोटे छोटे इख्तियारत के मालिक पैदा किए हैं इसलिए वो फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन ये पता तुम्हें उस दिन लगेगा कि इस जिस्म पर भी तुम्हारा इख्तियार नहीं होगा इसने भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देनी व अलिया वह तुकल्ले मुनाशादे मा खान वहां जुबानों पर मोर लग जाएगी हाथ बोलेंगे पाव बोलेंगे जिसम बोलेगा अपने खिलाफ गवाही देगा ये था ही मेरा नहीं इसलिए ही तो मेरे खिलाफ गवाही देगा ये हैरान हो जाएगा क्या मत वाले दिन कुरान कहता है ये हैरान हो जाएगा कि तुम्हें किसने बोलना सिखाया मेरा ही जिसम मेरे खिलाफ बोल रहा हैरान होगा तो जिसम बताएगा ये हड्डियां बोलेंगी ये जिसम के हाथ और पांव बोलेंगे ये बोल के उसको कहेंगे अंत का नाह अंत का शैन जिस अल्लाह ने दुनिया में हर चीज को बोली सिखाई है उसी ने हमें बोली सिखा उसी ने हमें नुत कता कर दिया लिहाजा वो जो इख्तियार दुनिया में छोटा मोटा अल्लाह ने दिया है जिसकी बुनियाद पर हम सारे फिरौन बने हुए हैं जिसकी बुनियाद पर हम एजाबुलबर ए ही अपनी खुद पसंदीदगी में मुबतला है जिसकी बुनियाद पर हमें अपनी कुर्सी अपना अहदा अपना इख्तियार चाहे वो माल की सूरत में हो चाहे वो अहदे और इख्तियार की सूरत में हो क्योंकि यहां पे अल्लाह ने दुनिया में बेशुमार फिरौन पैदा कर रखे हैं इसलिए वो फरमाता है कि क्यामत वाले दिन ये भी छीन लूंगा और उस दिन ऐलान होगा बताओ आज इख्तियार किसका है तुम्हें दुनिया में पता ही नहीं चला कि इख्तियार किसका है इख्तियार यहां भी उसी का है वहां भी उसी का है लेमनकुल यौ कुरान कहता है कि जब ये ऐलान होगा ना मन इल ये सवाल है तो इसका जवाब कौन देगा किसी के पास इख्तियार होगा तो जवाब देगा ना जवाब देने का इख्तियार भी नहीं होगा कोई नहीं बोलेगा ये इख्तियार भी खत्म हो जाएगा यहां उसने बोलने की ताकत दी है बोलो यहां उसने सुनने की ताकत दी है सुनो यहां उसने माल दिया खर्च करो यहां उसने पोजीशन दी है इस्तेमाल करो वहां तो वो छीन लेगा हर चीज छीन के पूछेगा बताओ किसका इख्तियार है तो जाहिर है जब वो छीन ही चुका होगा तो फिर बोलना किसने है फिर खुद ऐलान करेगा ला अल्लाकेला एक, एक अल्लाह और जबरदस्त कुव्वत वाला मालिक उसी का इख्तियार है बस उस इख्तियार अगर यहां मान लिया वहां तो वो मनवा लेगा ना यहां जिसने मान लिया वो कामयाब है जिसने नहीं माना सलासुन सुन तीन चीजें बर्बाद करके रख देने वाली है शक व मुतबा व एजाबलमर बिनसी ही यहां अगर अपने आप को ये कुछ समझता है ना कोई चीज़ समझता है तो ये इसको मरवा देगी दुनिया में भी आखरत में अल्लाह ये तबाह वर्बाद कर देने वाली चीज तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं सिखाई हैं ना वो असल में आजजी के इजहार का दरिया है ऐ अल्लाह अल्लाह एल्ला जब अल्लाह के और फिर उसमें खास तौर पर इस्तेजे जिसमें पनाह मांगी जाती है हर वो दुआ जिसमें आऊज का लफ्ज़ है इन्नी बिका अल्लाह इन्नी आऊद बिका लह इन्नी आऊ बिका ये क्या है ये आजजी का इजहार अल्लाह मैं नहीं बच सकता तू मुझे बचा ले अल्लाह मैं नहीं बच सकता तू मुझे बचा ले ये इजहार है और मैंने इस सिलसिले में एक दुआ पिछले जुमे के आखिर पे आपके सामने रखी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दुआ इस्त्या के तौर पर पढ़ा करते थे और सिर्फ तहज्जुद में नहीं आम तौर पे आप तहज्जुद में पढ़ते थे बाकी नमाजों में भी आप पढ़ सकते हैं और नबी करीम सल्लाम और जहाँ इस्त की दुआएं आती हैं सुबहानक है या अल्हबाद बेनी है इसी तरह वो दुआ भी नबी करीमलम पढ़ते थे तो मुझे यूं लगता है कि आप अगर उस पर गौर करें तो सुबह ही सुबह आप फजर का वक्त हो बल्कि फजर से भी पहले तहजद का वक्त हो और आप उसको पढ़ रहे हो अल्लाह अकबर सारी चीजें अपनी रूह के साथ हैं दुआ इसका ताल्लुक अल्फाज के साथ नहीं है इसका ताल्लुक रूह के साथ है दुआ की भी एक रूह होती है एक दुआ पढ़ना होता है एक दुआ मांगना होता है हम दुआएं पढ़ते तो हैं सारे क्या दुआएं मांगते भी हैं मांगने और पढ़ने में बड़ा फर्क है अगर तो नमाज पढ़ ली दुआ पढ़ ली पढ़ लिया कुरान पढ़ लिया सच ही बात है असल में ये चीज क्या है वो देखे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी चीज अल्लाह का जिक्र है अल्लाह की याद सबसे बड़ा तो क्या मैंने दुआ पढ़ ली अल्लाहमद फिर ली ये सबसे बड़ी ताकत हो गई नहीं ये नहीं है असल में अल्लाह का जिक्र बड़ी ताकत है और अल्लाह का जिक्र क्या है अल्लाह का जिक्र दरअसल जिक्र का माना होता है याद याद उस उस इस्तेहजारलबी को कहते हैं उस दिल की हुजूरी को कहते हैं दिल के अंदर किसी की कैफियत, किसी की मार्फत किसी की पहचान किसी की कशिश दिल में आए तो वो जिक्र है असल में अल्लाह की याद दिल में इंसान के दिल में अल्लाह की जात का इस्तेहार आ जाए कि मेरा अल्लाह वो कहा और मैं कहा वो मेरा अल्लाह वो रहमान वो रहीम, वो मालिक ही इस तेजार के लिए जो जुबान से हम कहते हैं ना ये असल में उसका एक टूल है एक तरीका है एक जरिया है कि दिल में कैसे डालनी है बात दिल में अल्लाह का जिक्र कैसे आए दिल में अल्लाह की याद कैसे आए दिल में अल्लाह की याद डालने का एक तरीका यह है कि आप जुबान से कहें आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में दाखिल होती जाए यह जरिया है इसलिए वाला जिक्र अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ी चीज है और अल्लाह का जिक्र वो अल्फाज नहीं है जो हमने पढ़ लिए बल्कि अल्लाह का जिक्र उन अल्फाज का नतीजा है जो दिल में जाके पैदा होता अगर दिल में नतीजा पैदा हुआ है तो इंसान के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं फिर इंसान की कैफियत बदल जाती फिर आप यूं अंदाजा करें कि इंसान जब पढ़ता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितने भी अजकार हैं उन पर गौर किया करें मसलन तहजद के वक्त आप बेदार होते थे ना तो आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे यानी नमाज शुरू करने से भी पहले आप कुछ दुआएं पढ़ते थे और बिलुमूम एक हदीस में आता है कि सुरह आले इमरान की आखिरी ग्यारह आयात भी आप तिलावत सुराणान की आखिरी ग्यारह आयात आप पढ़ें जा, जाके उसमें तर्जुमा उसका देखें उसमें समझने की कोशिश करें कि नबी अक्रम सल्ला इन आयात को क्यों पढ़ते थे वो दुआएं क्यों पढ़ते थे ऐसे ही अल्लाह का जिक्र किए जाते थे उसका कोई मतलब नहीं था उसका मतलब वो असल में दुआएं पढ़ना कुरानी आयात पढ़ना कुरान पढ़ना ये असल में दिल की कैफियत को दुरुस्त करने का जरिया है ये टूल है अल्लाह की याद को दिल में करने का जरिया है अकबर अल्लाह का जिक्र वो बहुत बड़ी चीज है और वो बहुत बड़ी चीज कैसे है जब हम दुआ करेंगे जब हम कुरान पढ़ेंगे उसके नतीजे में जो दिल की कैफियत होगी उसका नाम है जिक्र वो है जिक्र की याद अब मेरे दिल में आ गई और जिसके दिल में अल्लाह की याद आ जाए इससे बड़ी कोई बात है ये हम सब जानते हैं यही हकीकत अल्लाह करीम ने वाजे की है अल्लाह अकबर लिहाजा फजर के जो नमाजें नबी करीम दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त पढ़ते थे अकेले आदमी बैठा है दुआएं पढ़े जा रहा है बेदार हुआ है और बेदार होते ही कहते हैं क्या है सब कुछ ये सारी दुआएं असल में अल्लाह की याद का जरिया है एल्ला तेरा शुक्र है आफानी नीफी जसदी तूने मेरे जिस्म में अता फरमाई रूही।, रूही, मेरी रूह तो निकल गई थी तू ना वापस करता तो मैं कैसे वापस कर सकता था तूने मेरी रूह को वापस लौटा दिया इस पर भी तेरा शुक्र है रात को सोते वक्त कहा था ना अलह बिस्मे अमूतु वाहिया Allah, तेरे नाम के साथ मर रहा हूं और तेरे ना नाम के साथ जिंदा हो जाऊंगा अकबर बिस्म का रबी वदा तो जम भी वाबिका ही अल्लाह ये तेरे नाम के साथ मैंने पहलू रखा बिस्म का रबी वदा तुजी वाभिक मैं सुबह उठा अगर मैं उठा तेरे नाम के साथ ही उठूंगा बेष्मिक और जम्बी वाभिक अब ये नींद जो है मौत की बहन है मर रहा है ना आदमी वह तो फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बाद रूह वापस आ जाती है और मौत के बाद वापस को नहीं आने भाई ये फर्क बेषमिक औरबी वा तु जम्बी वाभिक नफ्सी अल्लाह अगर तूने ये निकली हुई रूह रो की ली निकली है ना इन हम सख्त नफसी अल्लाह मैं सोने जा रहा मेरी रूह निकलेगी और अगर तूने उसको रो ही लिया वापस लाया ही ना लौटाया ही ना फरह हा तो फिर इस पर रहम फरमाना वो इन अरसलता और अगर तू इसको वापस लौटाने के लिए छोड़ दे रोक लिया तो तेरी है तू रोक सकता है अगर वापस कर दी अगर आ गई ना बिमा तहफही बाहीन एल्ला अगर ये वापस आ भी गई ना तो फिर तू इसकी हिफाजत करना जिस तरह तू तो अपने नेक बंदों की रूहों को हिफाजत करना अंदाजा तो करें ये क्या है दुआएं ये मौका ब मौका दुआएं ये इस्तेहजार कलबी के लिए अल्लाह या की याद का एक जरिया है एक टूल है कि हम ये करें तो अल्लाह की याद आ जाएगी अल्लाह की याद दिल में रच बस जाएगी तो इस तरह फिर नबी करीम वसल्लम जब दुआ इस्तः फरमाते थे अल्लाह अकबर इन्नी वजह तो वजह या वजह तो वजी फतमी अल्लाह अकबर وبذالك أنا اول المسلمين اللهم انت ربي لا اله الا انت 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 الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك بندا خدا الله کے انت ربي وانا عبدك الله تو میرا رب ہے اور میں تیرا غلام میں تیرا عبد ہوں اور ہوا یہ ہے کہ میں نے بڑے ظلمت نفسي मैं बड़े जुल्म करके आया हूं वा और अल्लाह मैं सारे गुनाहों का एतराफ़ करता हूं मैं जब तेरे सामने आ गया हूं तेरा ही बंदा हूं तेरे सामने आ गया हूं तो तू मेरे गुनाह माफ कर दे और मुआफ और कोई है ही नहीं दुनिया में करने वाला सिर्फ तू ही माफ करने वाला

दुनिया में कोई अच्छे अखलाक की रहनुमाई करने वाला नहीं है इल्ला अंता सिवाय तेरे तू मुझे अच्छा बना दे तो मैं अच्छा बन जाऊंगा तू बुरा बना दे तो मैं बुरा बन जाऊं वसरे फानी वसरे फानी सही हा अल्लाह मुझे बुरे अखलाक से बचा ले और बुरे अखलाक से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय तेरे और फिर कहता है लब्बैक व सअदैक अल्लाह ये जो मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं ना ये जो मैं हाजिर हूं ये भी तेरी इनायत है जो मैं हाजिर हो गया हूं लबादईक तेरी इनायत से ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं तेरे सामने हाजिर हुआ अल्लाह और हर चीज तेरे साथ मुंसलिक है हर खैर तेरे सा... जो तेरे साथ जुड़ गया उसको खैर मिल गई और जो तेरे साथ नहीं जुड़ रहा वशर लई लईक जो तेरे साथ जुड़ा है उसको कोई शर नहीं पहुंच सकता तबारक तव आना बिका अल्लाह मैं तो तेरे साथ हूं मेरी जिंदगी तेरे साथ है मेरा और है कौन ये एतराफा है ये इतराफा इंसान को अल्लाह की याद की तरफ लेके जाते हैं इससे फिर इंसान के दिल में आजजी ये जो आजजी है ये इंसान को उस तबाही और बर्बादी की कैफियत से बचाती है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ए इजाबुल मरई बिनफसी या बाकी दुआएं भी आप देख लें बस मैं एक दुआ की और बात करके फिर आगे हम बात अपनी लेके चलते हैं रुकू में सुबहान रबीआजीम के अलावा नबी करीम वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे अल्लाह मनी लाका रका तो अभी का अमन तो अल्लाम तो मैंने तेरे सामने रुकू किया है अल्लाह मैनी ला करका तो ये सामने में तेरे झुकाऊ तेरे सामने झुकाऊ अब रुकू की कैफियत जो साहबा किराम बताते हैं नबी करीम वसल्लम के रुकू की जो कैफियत होती थी वो ये थी कि आप अब कदम तो दो नीचे लगे हैं ना उसके अलावा नबी करीम वसल्लम का पूरा जिस्म तना हुआ होता था कैसे बिल्कुल सीधी टांगे बिल्कुल सीधी पुश्त और पुष्त के लेवल पर उसी सतह पर सर और दोनों जो बाजू हैं वो भी बिल्कुल सीधे और हाथों से घुटनों को पकड़ा हुआ अब बाजू भी बिल्कुल सीधे टांगे भी बिल्कुल सीधी कमर भी बिल्कुल सीधी और अंदर से अंतड़ियां अल्लाह के खौफ से तनी हुई जब आदमी कहता है अल्लाह मैं इन्नी लाकार तो अल्लाह मैं तेरे सामने झुक गया वह बिकाह मन तो तेरे ऊपर मैं ईमान रखता हूं का असलम तो अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे स्पुरद कर दिया खाशा आला का समय वह बासारी व मुखी, व आजमी अल्लाह ये जो मैं झुका हूं ना अकेला मैं नहीं झुका मेरी समातें भी झुकी हैं मेरी बसारतें भी झुकी हैं मेरी हड्डियां भी झुकी हैं हड्डियों के अंदर जो गोदा है वो भी झुका है मुख ही मुख का मतलब दिमाग भी होता है और मुख का मतलब वो जो हड्डियों का गुदा है वो भी होता है तो अल्लाह मेरा दिमाग भी मेरी हड्डियां भी सब कुछ तेरे सामने झुका और ये जो दो कदम नीचे लगे हैं ना बाकी जिसम तो वैसे ही कोई नहीं नीचे लगा हुआ तो ये जो दो नीचे लगे हुए हैं ना वो मस्तक कदम ही अल्लाह असल में ये भी तेरे सामने झुके हुए हैं ये क्या इजहार है दरअसल अपनी कैफियतों को ठीक करने का और अल्लाह की याद का एक जरिया है जिससे सिर्फ ज़ाहरी आजजी नहीं होती दिल के अंदर आजी पैदा होती है दिल के अंदर आजजी पैदा होती है तो इंसान इस बर्बाद करने वाली बीमारी से बचता है जो हिजाब उलमरबिन नबी अक्रम सल फरमाें सलाह सुन महलिकात कि तीन चीज़ें बर्बाद करके रख देने वाली उसके बाद आपने फरमाया कि तीन चीज़ें जो हैं वो निजात देने वाली भी हैं सला सुन मुंजियात सलासुन मोहलिकतन व सलासुन मुनजियात तीन चीज़ें निजात देने वाली व सलासुन कफ़ारात तीन चीज़ें जो है गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं व सलासुन दरवाजातुन और तीन चीज़ें जो है इंसान के दर्जात बुलंद करती हैं तो महलिकत फरमाया शख नफ्स होवाए नफ्स एक बखीली एक खाश और तीसरी खुद पसंदीदगी और मुंजियात जो तीन चीजें निजात देने वाली हैं उसके बारे में नबी करीम कि सबसे पहली चीज है फल आदल सबसे पहली बात यह है कि कभी इंसान को गुस्सा आया होता है कभी इंसान को खुशी की कैफियत होती है और गुस्से में भी इंसान नॉर्मल नहीं रहता और खुशी में भी इंसान नॉर्मल नहीं रहता लेकिन उसने जिंदगी का रंग ढंग यूं बनाया है कि वो चाहे गुस्से में हो चाहे नाराजगी में हो कभी अदल के तकाजों को पसे पुष्ट नहीं डालता कभी जुल्म नहीं करता फल अदलो फिर रिदा <दिणादिया> फिल चाहे वो गुस्से में हो चाहे नाराजगी में हो चाहे खुशी में हो वो हर बंदे को उसका हक देता अदल अदल का मतलब होता है हकदार को हक देना वो हकदार का हक कभी नहीं छोड़ता चाहे उसको अब इसकी आगे तफसी हैं अदल क्या होता है इस पर बड़ी गुफग हो चुकी बस सादा ये समझ लें कि अदल हकदार को हक देना है और जिसने हकदार को हक़ नहीं दिया उसने जुल्म किया अदल की जिद जुल्म है लिहाजा फरमाया कि इंतहाई खुशी में भी और इंतहाई नाराज़गी में भी जब इंसान की कैफियतें नहीं ठीक रहती उसमें भी जो अदल करता है इससे उसको निजात मिलती आम हालात में तो सारे ही अदल कर लेते हैं आम हालात हों तो पता नहीं चलता गधा घोड़ा सब बराबर हो जाते हैं जब हालात शदीद होते हैं ना तब पता चलता है ईमान का इम्तिहान भी शदीद हालात में होता है अल्लाह अकबर लिहाजा फरमाया वला मुंजियात अमल मुंजियात फल आदल फिल ग एक तो चाहे वो खुशी में हो चाहे नाराजगी में हो अदल करे किसी का हक ना मारे और दूसरी चीज फरमाई वल कस दो फिलफ्र वल चाहे वो बहुत अमीर आदमी हो और चाहे बिल्कुल मुफलिस हो खर्च करने में हमेशा म्याना रवि इख्तियार कर वल कस दो फिलफ्र वल गा अमीर हो गया है तो पैसे लुटाना ना शुरू कर दे और गरीब हो गया है तो उस वक्त खाम खा कंजूसी ना शुरू कर दे बल्कि दरमियान में जैसे कुरान ने कहा वजहफकू रहमान की के अंदर सिफत बयान की अल्लाह ने रहमान के बंदे वो होते हैं जब वो खर्च करते हैं ना लम युसरफु वलम लम ना वो फजूल खर्ची करते हैं और ना वो कंजूसी करते हैं। बैन न कबा बल्कि दरमियानी रास्ता हमेशा इख्तियार करते हैं तो बहुत अमीर आदमी हो या बहुत गरीब आदमी हो उसका यकीन तो अल्लाह पे होना चाहिए कि फकर्र भी उसी की तरफ से है और गरा भी उसी की तरफ से है इसीलिए नबी करीम सल्मा मोमिन तो हर सूरत में अजर ले, ले लेता है उसको खुशहाली आती है तो अल्लाह का शुक्र करके अजर ले, ले लेता है उसको तंगी और मुफलसी आती है तो वह सब्र करके अजर ले, ले लेता लिहाजा आपके वलकस फकर वल गिना चाहे मुफलसी है चाहे गिना है दरमिया रास्ता इख्तियार करना है इससे निजात मिलती है ये बाकी सारे जो इंसान की आलाइशें हैं उससे इंसान पाक होता है और आखिरी बात इसमें जो फरमाई मुंजियात में फरमाया वशियतल्ला और अल्लाह से डरते रहना फिसर वल अलानिया चाहे आप लोगों के सामने हों और चाहे आप छुपे हुए हों इससे कोई फर्क ना पड़े कि कोई आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा अगर आपके अमल पे कोई इससे फर्क पड़ता है ना इसका मतलब है आपके दिल में अल्लाह की खशियत कोई नहीं है अल्लाह की खशियत अगर है तो आप अकेले कमरे में भी बैठे हैं तो अल्लाह तो फिर भी देख रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह तला मुझे और आपको किताब सुन्नत की तफहीम और उस पर अमल की तोफी अतफर आखरदा